IBCN News के doctors.com में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्किन त्वचा, इसके लिए आजकल आए दिन मार्केट में बहुत सारी कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी क्रीम्स जो है वो आ चुकी है, पर अब बहुत बार ये जितनी भी कॉस्मेटिक्स है, ये जितनी भी क्रीम्स है, उनकी वजह से स्किन को और भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि जब से ये मार्केट में जितनी भी त्वचा के लिए क्रीम्स लाई गई है, उससे कहीं ना कहीं उसके बाद और स्किन डिसीजेज में जो है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग जो है गलत स्किन डिसीज, मतलब उनको स्किन डिसीज हो जाती है, उसके बाद वो डॉक्टर के कंसल्टेशन ना लिए बिना कोई भी क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल है उसको यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। अब इसी चीज़ के मद्देनज़र आज स्किन के बारे में जानने के लिए, त्वचा संबंधी जितने भी रोग हैं उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है शिवशंकर आयुर्वेद से अतुल तिलरानी सर, जो आज जो हमें स्किन के बारे में आज बताने वाले हैं, जहाँ पे वो हमें बताएंगे कि स्किन डिसीजेस क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और किस तरीके से एक अच्छी हेल्दी स्किन के लिए जो है उपाय करने चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सर सबसे पहला मेरा एक सवाल ये है कि बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि स्किन डिसीज जो है वो क्या होते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि स्किन डिसीजेस आखिरकार क्या होते हैं। देखिए, स्किन यानी त्वचा, तो त्वचा से संबंधित जो भी डिसीजेस है, चाहे फिर त्वचा में कोई पिंपल्स आ जाए या फुंसी आ जाए, इरप्शन आ जाए, ड्राइनेस आ जाए, स्किन उड़ना शुरू हो जाए, स्किन का कलर बदल जाए, स्किन डिसकलरेट हो जाए, इचिंग शुरू हो जाए, बर्निंग सेंसेशन हो, या फिर स्किन के जो नॉर्मल जो उसका टेक्स्चर या फिर जो कंसिस्टेंसी है उसका लॉस हो, ज़्यादा परस्पिरेशन हो या ड्राइनेस आ जाए, इन सब यानी स्किन के संबंधित आपको कोई भी डिसकंफर्ट लगे या डिस ईज लगे, ठीक ना लगे, वो उसे हम स्किन डिजीज कहते हैं। स्किन का होती है पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के एक्सटीरियर में पूरे ऑर्गेन्स को उन्होंने एनवेलप करके रखा, उसे हम स्किन बोलते हैं। तो ये स्किन जो ऑर्गेन है वो एवरीवेयर इट इज़ देयर, तो उसका कोई भी डिसकंफर्ट आपको लगता है उसे हम स्किन डिजीज की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं अपनी स्किन जो होती है एक्सटीरियर पार्ट, जो बारिश धूप सारी चीज़ें जो है वो झेलती है, बट इस जो स्किन वैसे तो बहुत सेंसिटिव होती है पर बहुत सारी चीज़ें भी झेलती है, तो ये जो स्किन डिसीज होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, आयुर्वेदा के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो स्किन को उन्होंने दो ही हिसाब में डिवाइड किया, एक ही वर्ड दिया स्किन डिसीज, कुष्ठ। Okay. जैसे आजकल लेप्रसी माना जाता है, बट दैट इज द ट्रांसलेशन। इसमें दो प्रकार के कुष्ठ है, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ। अच्छा। कुष्ठ यानी स्किन डिसीज, ऐसा ही टर्म उन्होंने यूज किया। तो जो महाकुष्ठ माना जाता है वो लेप्रसी आता है, लेप्रसी के अलग अलग टाइप्स है, तो उसमें उन्होंने 11 टाइप्स बताया है महाकुष्ठ। तो लेप्रसी इज ऑल्सो स्किन डिसऑर्डर, बट वो महाकुष्ठ की कैटेगरी में डाला गया, तो उसे जिसे हम लेप्रसी कहते हैं। अब जो उसको छोड़ के बाकी डिसऑर्डर जैसे सोरियासिस हो गया या फिर आपका एक्जिमा हो गया, पिंपल्स हो गए, छोटे छोटे स्किन डिसऑर्डर्स, या विटिलिगो हो गया, सफ़ेद कोट, या मेलेज्मा हो गया, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आना, तो या फिर सीवियर ड्राइनेस रहना, इस काइंड के डिसऑर्डर्स को उन्होंने क्षुद्र कुष्ठ में डाला, तो उसके 18 प्रकार बताए गए आयुर्वेद के हिसाब से ये होते हैं। या फिर आप दो ही बोल सकते हैं, दो मेजर टाइप्स। अच्छा। एक आपका महाकुष्ठ, एक क्षुद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ यानी लेप्रसी, लेप्रोमेटस लेप्रसी, या फिर वो ट्यूबरक्यूलर लेप्रसी जो उसके मॉडर्न टाइप्स है, और बाकी के प्रकार 18 प्रकार के स्किन क्षुद्र कुष्ठ में, क्षुद्र एंड छोटे स्किन डिसऑर्डर्स में सारे के सारे स्किन डिसऑर्डर्स उन्होंने कैटेगराइज करके रखते हैं। ओके, कहीं ना कहीं बहुत बार पेशेंट्स जब आपके पास आते होंगे तो उनको स्किन डिसीज है, ये आप किस तरीके से डायग्नोज करते हैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है कि स्किन के ऊपर उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले हम एग्जामिनेशन करते हैं, देखते कि स्किन का क्या हुआ है, डिसकलरेशन हो रहा है, कलर रेडनेस आ गया है, या येलोइशनेस है, या ब्लूइशनेस है, या ड्राइनेस है, या फिर उसमें पपड़ी यानी एक लेयर जमा हो गई है, या फिर कुछ उसमें सर्कल्स दिख रहे हैं, डार्क है या वाइट है, या रेडिश है, इरिथिमा है, ब्लैकिश है, वो सारी चीज़ें हम देख के डायग्नोसिस करते हैं। उसकी कंप्लेंट्स यानी पेशेंट जो कंप्लेंट्स बताते हैं वो एग्जामिनेशन। अच्छा। उसके बाद कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करके फिर स्किन का प्रॉपर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में आप स्किन को टच करके उसकी कंसिस्टेंसी को, ड्राइनेस को या फिर वेटनेस को फील करके, और फिर उसके ऊपर अगर कुछ चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन करके स्किन के डिजीजेस का डायग्नोसिस किया जाता है।
जिस तरीके से आप डायग्नोसिस करते हो उसके बाद आपको बहुत बार इसके कारण भी पता होगी कि किस तरीके से ये स्किन डिसीज होते हैं और क्यों होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से और क्यों ये स्किन डिसीजेस जो होते हैं इनके कारण क्या है। देखो आयुर्वेदा के इसमें जो कैटेगराइजेशन है स्किन डिसीजेस ये रक्त दृष्टि से आता है। आयुर्वेद का कहना है कि रक्त दोष, रक्त जब एक्चुअली रक्त आपका धातु है, बॉडी में बना हुआ एक धातु है जो बॉडी को होल्ड करके रखता है, उसमें अगर वात पित्त कफ आदि दोष मिल के रक्त को दूषित कर देते हैं, अच्छा। बढ़ के रक्त को दूषित करते हैं तो रक्त दोष बन जाता है, रक्त दुष्ट कहलाता है वो। तो दूषित या फिर खराब हुआ ब्लड, खराब यानी उसमें दोष मिले हुए, ऐसा ब्लड जो नॉर्मल ब्लड होना चाहिए उसके अलावा उसमें दोष मिले हुए, वो जहां पर भी स्किन को सप्लाई करेगा, जिस पार्ट में स्किन को खराब करेगा तो उसे स्किन डिसीज कहा जाता है और ये उसका कॉज माना गया। अब रक्त दुष्टि क्यों होती है, वात पित्त कफ दोष बढ़ के रक्त में दूषित हो जाते हैं, रक्त में जाके मिल जाते हैं, उसके कारण कई कारण हो सकते हैं। जैसे हम आप लोग बोलते हैं सनबर्न हो रहा है, या फिर ड्राइनेस सहन नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ऑयली या फिर बहुत ज्यादा वेट स्किन या पसीना वगैरह छूटने से सहन नहीं हो रहा है। दो कैटेगरी के लोग देख लो, एक फिट है एक थोड़ा सा वीक है। तो उस आदमी को एक पानी में भीग भी जाता है, उसको बहुत सारा पसीना भी आता है, या फिर एकदम विंटर में भी रहता है या ड्राई एटमोसफेयर में भी रहता है तो भी उसकी स्किन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दूसरा आदमी कंपेरेटिवली देखो कि थोड़ी थोड़ी उसकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि थोड़ा चेंज एटमोसफेरिक मिल जाए या फिर थोड़ा उसको पसीना ज्यादा आ जाए तो उसको इचिंग होना शुरू हो जाता है। सो वो डिपेंड्स ऑन हिज ओन इम्यूनिटी ऑफ द स्किन, इंटरनल उसका एटमोसफेयर कैसा है, इंटरनल होमियोस्टेसिस कैसा है, कंसर्न टू द स्किन। रस और रक्त ये दोनों ही धातु स्किन से डायरेक्ट रिलेटेड है। रस धातु स्किन को सप्लाई करता है, रस यानी हम जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाला, जो अंदर का प्लाज्मा है उसको हम आयुर्वेद के हिसाब से रस बोलते हैं। तो जो भी आप चीजें खाते हैं, ठीक है, जो भी आप इंटरनल इंटेक करते हैं, उसके बाद रस की दृष्टि होती है, उसके बाद रक्त की भी दृष्टि होती है, दोनों ही सूरतों में दोष आपके स्किन तक पहुंच जाते हैं, वहां डिपॉजिट होके वो फिर वात पित्त कफ इनसे अलग अलग प्रेरित तीन प्रकार के अलग अलग स्किन डिसऑर्डर्स बनाते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ स्किन डिजीजेस आर कॉज्ड इन आयुर्वेद अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ओके, आपने आयुर्वेदा की अभी बात की तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि हर चीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदा में होता है और सबसे प्राचीनतम संस्कृति है हमारे भारत की आयुर्वेदा, तो किस तरीके से आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट है स्किन डिसीजेस का, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस कारण से स्किन डिसीज हुए, जैसे मैंने अभी आपको पैथोफिजियोलॉजी समझाई कि रस और रक्त धातु की दृष्टि हो जाती है, तो हमको उसके कॉज देखने की, आदमी क्या इनटेक क्या है उसका, खाने का पैटर्न कैसा है, क्या खाना खाता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस जगह पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। कई बार होता है ना कि पोल्यूशन वाली एरिया में काम, कई बार होता है कि बहुत पसीना उसको आता है ऐसी जगह पे काम करता है, कई बार जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल है लोगों की तंग कपड़े पहन के रहते हैं और उनको इंटरनली बहुत सारा पसीना आता रहता है, तो क्या होता है कि ऐसे इसमें फंगस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसका रूटीन अगर प्रॉपर नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल रेगुलर नहीं है, खाने पीने का पैटर्न प्रॉपर नहीं है, कभी कभी रात रात भर जागना पड़ता है, खाने जंक फूड ऑयली स्पाइसी फूड अगर वो खाता है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिकली दोष पेट में तैयार होंगे, वात पित्त कफ दोष बढ़ जाएंगे, स्किन ब्लड में घुल जाएंगे यानी रक्त में घुल जाएंगे और स्किन डिसीज होंगे। सो ये कॉजेटिव फैक्टर्स है, इसको हमको निकालना है, क्योंकि आप मेडिसिन देते रहोगे और कॉजेटिव फैक्टर है दोष तैयार होते रहेंगे आप हटाते रहोगे तो स्किन डिसीज सॉल्व नहीं होगा। ऐसी कंडीशंस में निदान परिवर्तन यानी प्रिवेंशन ऑफ द कॉज, ट्रीट द कॉज, ये सबसे पहला ट्रीटमेंट है। उसके बाद आपका जो भी स्किन डिसीज है डायग्नोसिस के हिसाब से जो भी दोष बढ़ा हुआ है उस हिसाब से हम उसको ब्लड प्योरीफाई मेडिसिन देते हैं। हमारे पास सायरप स्किन क्लींसर है, हमने बहुत सारे एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन बनाया, बहुत सारे ग्रंथोक्त अलग अलग ब्लड प्योरीफाइंग मेडिसिन को कंबाइन करके एक सिरप बनाया स्किन क्लींसर, उसी नाम से कैप्सूल भी बनाया स्किन क्लींसर कैप्सूल, और उसी नाम से ऑइंटमेंट भी बनाया, डर्मक्योर ऑइंटमेंट है हमारे पास जो कि स्किन के अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर देता है। एक त्वचा निखार तेल TN ऑयल बनाया है, वो हर जगह हर तरीके के स्किन डिसऑर्डर्स को क्योर करता है, तीनों दोषों से प्रेरित या तीनों दोषों से दुष्ट स्किन को भी हम ठीक करते हैं। सो ये ट्रीटमेंट वाइज ये मेडिसिन भी है, तो दो ट्रीटमेंट में दो पार्ट हो गए, एक सबसे पहले कॉज द ट्रीट द कॉज निदान परिवर्तन, दूसरा मेडिसिन। ओके,
आपने ये भी कहा था कि जिस तरीके से व्यक्ति का खान पान होता है उसके हिसाब से जो ये स्किन डिसीज होते हैं, मतलब अगर किसी का प्रॉपर डाइट फॉलो ना हो या फिर प्रॉपर खान पान ना हो तो उसके वजह से भी स्किन डिसीज होते हैं। मैं इस बारे में और जानना चाहती हूँ आपसे कि किस तरीके से अपने खान पान या फिर हम कह सकते हैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल का जो इफेक्ट है वो हमारी स्किन पर पड़ता है। जी, जैसे हम लोग अभी जो इस जिस एरा में हम जी रहे, हम फर्टिलाइजर्स, यूरिया, फॉस्फेट, सल्फेट, केमिकल्स पड़े हुए क्रॉप्स को हम खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें अपने को मिल ही रही हैं, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में दूषी विष कहते हैं। इसके साथ साथ जो फ्रूट्स है वो कई बार आप देखते हो कि प्रिजर्वेटिव्स उसको लगाए हुए होते हैं, कई बार उनको कार्बाइड से पकाए हुए फ्रूट्स हम खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपको मिल रहा है, राइट। ऐसी कंडीशन में इसके अलावा अपन दूध भी जो मिल्क भी जो मिल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि इंजेक्शन लेके दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जाती है, हार्मोनल इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं गायों को, सो वो भी दूध हम पी रहे हैं। सो हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो एकदम एब्सोल्युटली हर्बल नहीं, इट इज मिक्स्ड विद केमिकल्स। तो केमिकल्स विल कॉज रक्त दुष्टि, दोष बढ़ाएगा, पित्त भी और रक्त दोनों चीज़, क्योंकि केमिकल्स इरिटेंट होते हैं। तो हो गया, ये आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल यानी सब लोगों के लिए ये कॉमन फैक्टर हो गया। हाँ। इसके साथ कुछ लोग जंक फूड खाना पसंद करते हैं, कैन फूड खाना पसंद करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए फूड खाना पसंद करते हैं, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, इडली, डोसा, सांभर, ये चीज़ें बेक्ड फूड बोलते हैं ना, जिसको हम अमोल यानी खटाई मिला हुआ फूड जिसमें खटाई तैयार हो जाती है, फर्मेंटेड फूड बोलते हैं। सो वो इट इज़ क्लियरली कॉजिंग पित्त और रक्त दुष्टि, दो फैक्टर हो गए। इसके साथ साथ ये तो लोग यानी रेगुलरली खा रहे, साथ साथ हैवी फूड खा रहे, ये रेगुलर डाइट पैटर्न यानी प्रॉपर खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं, कई बार खाना खा लेते हैं और रात को भी जागते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ रक्त दुष्टि और पित्त दुष्टि। सो खाने का पैटर्न ये हो गया, हम रेगुलर जो खा रहे हैं वो, उसके अलावा जो खाने के शौकीन लोग हैं, विरुद्धान्न खाना, विरुद्धान्न का मतलब होता है कुछ नॉर्मल रूल्स कि किस चीज़ को किसके साथ, दूध और अंडा मिला के नहीं खाना चाहिए, गर्म होता है, दूध और मछली मिला के नहीं खाना चाहिए, गर्म होता है, घी और शहद सम प्रमाण में, गलत होता है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अगर कंबाइन करके खिलाई जाए तो दैट कॉजेस विरुद्धन, उसे विरुद्धन कहा जाता है, दैट कॉजेस टॉक्सिन्स टू ग्रो इन आवर बॉडी, तो ऑटोमेटिकली ये भी चीज़ स्किन डिसऑर्डर्स तैयार करती है। सो अगर हम इस फॉर्मेट में देखेंगे तो रेगुलरली वी आर कंज्यूमिंग दूषी विष और रक्त पित्त दुष्टिकर डाइट्स, एंड दैट इज वाई वी आर गेटिंग द स्किन डिसऑर्डर। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आप देखो एडोलेसेंट एज में लोगों को हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उनको पिंपल्स आते हैं, डार्क हेड्स आते हैं, मेनोपॉजल एज में बहुत सारी लेडीज को थायराइड डिसऑर्डर तैयार हो जाते हैं, ठीक है, उस एज में भी आप देखो मेलाजमा यानी वांग, डार्क हेड्स कॉमनली लेडीज में दिखते हैं। सो ये भी इसके अलावा भी कॉजेस है, ओके। सो मैंने जो आपको कॉमन कॉजेस बताया उसके अलावा ये एडिशनल कॉजेस है जिसके कारण से अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन विटिलिगोज ऐसा डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक पाया जाता है, कई बार जीन्स के थ्रू आता है, तो कई सारे लोगों को टेंडेंसी ग्रो हो जाती है उनके अगर पूर्वजों को है तो बाद में भी उनको पाया जा सकता है। कहीं ना कहीं आपने बताया कि किस तरीके से मॉडर्न लाइफस्टाइल का हमारी स्किन पे इफेक्ट है, वही मेनोपॉज या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलती है उस टाइम पे या फिर एडोलेसेंस की एज में भी स्किन डिसीजेस जो है वो आमतौर पर देखे जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों का प्रिवेंशन जो है वो किस तरीके से किया जाए, क्योंकि बहुत बार हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो ऐसी हो गई है कि अभी ज़रूरी हो जाता है बहुत दफ़ा कि आपको रात को जागना है, या फिर अब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जंक फूड की एक आदत हो गई है, या फिर या हम बात जब करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की या फिर मेनोपॉज की, तो तब भी बहुत बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का प्रिवेंशन हो और किस तरीके से फिर स्किन डिसीजेस ना हो, इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जी, ये जो हमने अभी कॉजेस डिस्कस किए हैं उससे जो रक्त और पित्त दुष्टि हो जाती है, रक्त और पित्त दुष्टि प्रिवेंट करने के लिए आपको आपका डाइजेस्टिव पावर, मेटाबॉलिक पावर या अग्नि जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। अग्नि बढ़ाने के लिए क्या सोल्यूशन है? अच्छी एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट पैटर्न, फ्रेशनेस, फ्रेश ऑक्सीजन ले, अर्ली मॉर्निंग उठ जाए, अगर आपको रात को जागे हैं तो फिर दिन में थोड़ा सो जाए, बिना खाना खाए, खाली पेट खाना खा के सोना नहीं चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठे आप, फ्रेशनेस फील करें, थोड़ा योगा करें, प्राणायाम करें, अपनी
एक्सरसाइजेस से अपने इंटरनल एटमोसफियर को अच्छा ग्रो करें। ओके आपका अगर डाइजेस्टिव पावर अच्छा हो जाए, मेटाबॉलिक पावर अच्छा हो जाए, सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, फ्रेश ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाए, तो टॉक्सिन्स अपने आप बॉडी से निकल जाए। ओके आपको पानी भरपूर पीना चाहिए, वॉशरूम बहुत बार जाना चाहिए, आपका पेट अच्छे से साफ हो, इस काइट का आपको डाइट लेना चाहिए। यानी आप भले जंक फूड थोड़ा सा खाया हो किसी दिन, तो आपको फिर वो उसके साथ फ्रूट्स सैलड्स जो वाटरी फूड होता है वो खाना चाहिए, जिससे कि पेट अच्छे से रफेजेस जिसमें हो, ऐसी चीज़ें खा के आपका पेट साफ हो सकता है, ग्रीन वेजेस जिसमें। ओके वरना आप कंटिन्यूस अगर जंक फूड ही खा रहे हो, मैदा ही खा रहे हो, आलू ही खा रहे हो, तो क्या होगा, वो जाम हो जाएगा। ऑयली स्पाइसी फूड खा रहे हो तो जाम हो जाएगा और बाकी डिसऑर्डर्स उससे बन सकते हैं। ओके तो ये प्रिवेंशन के लिए है कि आप जंक फूड खाए, अगर आप टेस्ट के लिए खा रहे हो तो थोड़ा सा खाए, लेकिन उसको आदत या रूटीन ना बने। सोने के पैटर्न आप बोलते हैं एक आध दिन ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यूस अगर रात जाग रहे हो और आपको उसका बॉडी में इफेक्ट दिख रहा है, तो देन दैट मे कॉज, यानी इतना ज़्यादा बॉडी परमिट नहीं करेंगी। ओके तो प्रिवेंशन के लिए तो आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के, उसके लिए आपका डाइजेस्टिव पावर, मेटाबॉलिक पावर या अग्नि अच्छा होना चाहिए, एंड फॉर दैट यू नीड गुड एक्सरसाइजेस। ओके ये प्रिवेंटिव होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्टिकुलर चीज़ की आपको एलर्जी है, तो उससे आपको बच के रहना चाहिए। ठीक है, चेहरे का खास ध्यान रखना चाहिए, स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑयल्स आते हैं, मैंने बोला टीएन ऑयल, त्वचा निखार तेल, जैसे तेल ड्राइनेस के समय आपको ऑयल्स या फिर आपको वैसलीन वगैरह लगाना चाहिए। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आपको उबटन जो आता है ना दिवाली में हम लगाते हैं, उसको उद्वर्तन कहा जाता है, ऐसे पाउडर्स होती है, हर्बल पाउडर्स होती है, चूरन बोलते हैं उसको, को लगा के आपकी स्किन को क्लींस करना चाहिए। सो अलग अलग टाइप के प्रिवेंटिव मेजर्स भी आयुर्वेदा में, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आयुर्वेदा, रक्त दृष्टि को हटा प्रिवेंट करने के लिए रक्त शुद्धिकर मेडिसिन का यूज करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल और अपनी एनर्जी को या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के, स्किन की इम्यूनिटी खासकर अगर रखे, तो यू कैन प्रिवेंट ऑल दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स टू हैपन। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज अगर हमने की, या फिर जितनी भी फ्रेश इनटेक उसका प्रॉपर अच्छा रहा, अगर आप जंक फूड भी खाते हैं तो उसके बाद भी वाटरी फूड जो है वो उसका इनटेक करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं डाइजेशन प्रॉपर हो और उसकी वजह से आपकी स्किन भी जो है वो हेल्दी रहे। एक आखिरी सवाल जो आपसे था कि आप हमारे दर्शकों को एक टेक होम मैसेज जो है वो क्या देंगे? जी, टेक होम मैसेज, जैसे मैम ने सबसे शुरू में बताया था कि अलग अलग क्रीम्स या कॉस्मेटिक्स के यूज़ से भी स्किन खराब होती है, तो ज़्यादा कॉस्मेटिक्स, जैसे आप लोगों जिनको कैमरा फेस करना पड़ता है, एक्टर्स जिनको क्या बोलते हैं उसको, कैमरा के सामने रहना पड़ता है, तो उनको मेकअप्स करने पड़ते हैं, तो कॉस्मेटिक्स ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि उनको स्किन के प्रॉब्लम्स हो। तो कम से कम केमिकल कॉस्मेटिक यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल कॉस्मेटिक यूज़ करें, उसमें जो आपको सूट होते हैं उनको यूज़ करें, और जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स हमने बताया कि आपकी स्किन को के डिजीजेस को, स्किन को सेंसिटिव होने से प्रिवेंटिव हमने जो मेजर्स को डिस्कस किया, उनका ज़्यादा आप अवलंब करें, उनको आप ज़्यादा अपनी लाइफ स्टाइल में लाएँ, सो दैट आपकी स्किन अच्छी रहे, क्योंकि स्किन एक प्रेजेंटेशन होता है, आपका चेहरा या आपकी स्किन अगर हेल्दी रहती है, चमकदार रहती है आपके एज के हिसाब से, तो उस आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। तो टेक होम मैसेज ये है कि स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, स्किन डिजीजे छोटे होते हैं लेकिन वो बड़े होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो जो डिस्कशन का निचोड़ है अपने, कीप योर स्किन हेल्दी और लुक गुड, एंड फॉर दैट फॉलो द प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, कहीं ना कहीं कीप योर स्किन जो हेल्दी रखने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स सर ने आज बताए उनका भी पालन करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, जैसे कि बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बताई, एक्सरसाइज करना, उसके बाद प्रॉपर डाइट मेंटेन करना, अगर जंक फूड खाते हैं तो वाटरी सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा खाएं, ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो और स्किन हेल्दी रहे। कहीं ना कहीं स्किन आपको रिप्रेजेंट करती है, तो वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए बस छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको करनी है। और कहीं ना कहीं सर ने जैसा बताया कि स्किन डिसीजेज वैसे तो बहुत छोटी है होती है, पर उन्हें देर नहीं लगती बड़ा विकराल रूप धारण करने में, तो अपनी स्किन का ख्याल रखिए, कुछ सिंपल सिंपल चीज़ों का ख्याल रखिए, जिससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। ये थे हमारे साथ शिवशंकर आयुर्वेद से डॉक्टर अतुल तेलराने, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आज के हमारे इस doctors.com में फिलहाल इतना ही, ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।